मोटो जी 5S प्लस स्पेशल एडिशन हो सकता है आपका, वो भी फ्री में। जस्ट आपको करना है सिंपल से स्टेप फॉलो और ये मोबाइल आपका। स्टेप में मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको, अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो आपको पहले चैनल करना है सब्सक्राइब। कर दिया? अरे अभी करना है भाई, अभी कर दो। करना है सब्सक्राइब, अब एक बार कर दो लाइक बटन प्रेस, हो गया। अब जाइए कमेंट में, कमेंट में आप लिख दीजिए कि आपको इस मोबाइल के बारे में क्या लगता है और नेक्स्ट कौन सा मोबाइल मैं आपके लिए अनबॉक्सिंग करूँ, ठीक है। सब्सक्राइब लाइक हो गया, कमेंट कर दी। अब आपको करना शेयर, हाँ अभी नहीं, जब वीडियो ख़त्म होगा तब आप कर दीजिए शेयर इसको। आज मैं इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, अनबॉक्सिंग में आपको इसका फीचर बताने वाला हूँ, इसका डिज़ाइन कैसा है क्या जो भी रहेगा, मैं आपको अनबॉक्सिंग में पूरा इसका बताने वाला हूँ। प्लस आज इसका एक गिव अवे कॉम्पिटिशन रहेगा। कॉम्पिटिशन में एक सिंपल सा रूल है, जस्ट 50,000 लाइक्स हमें चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, 50,000 जैसे चुटकियों में हो जाएगा, उसके बाद ये मोबाइल एक किसी एक विनर का हो जाएगा, मैं आपको ये दे दूंगा। ऐसे ही गिव अवे कॉम्पिटिशन में करता रहता हूँ और करता ही रहूँगा, जस्ट आपका एक सपोर्ट चाहिए। सो अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अभी कर दो, ठीक है। अभी हम करते हैं मोबाइल को अनबॉक्सिंग। सो ये रहा हैंडसेट, अब देख सकते हैं ना, मोटो जी 5S प्लस, और ये है स्पेशल एडिशन वाला। तो एक बार हम इसको अनबॉक्सिंग कर लीजिए। बॉक्स काफ़ी अच्छा है, डिज़ाइन में आप देखें तो काफ़ी अच्छा इसका बॉक्स लगा है, काफ़ी अच्छे कवर के साथ मिला। अमेजोन से मैंने ऑर्डर किया, एक अच्छी ऑफर भी चल रही, तो एक बार ओपन करके देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा मोबाइल। सो अच्छा मोबाइल है, और सबसे अच्छी बात लगी मुझे कि मोटो ने अच्छा एक स्लिम फोन बनाया, बिकॉज इससे पहले कुछ मैंने मोटोज़ के फ़ोन देखे काफ़ी बल्की लगते थे, ये काफ़ी अच्छा स्लिम लग रहा है, थोड़ा सा इसकी बॉडी डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है। सो सबसे पहले हम मोबाइल के बारे में जानते हैं, इसके फीचर्स के बारे में जो हमें मिलने वाला है। सो इसमें आपको मिलने वाला है ड्यूअल रियर कैमरा 13+30 मेगापिक्सल, तो एक अच्छी बात है, आपको ब्लर रिटेल भी काफ़ी अच्छा आएगा इसमें। 3000 mAh की आपको टर्बो पावर वाली बैटरी मिलने वाली है। 14 cm फुल HD डिस्प्ले, यानी कि एक 16:9 रेशो का आपको डिस्प्ले रहेगा। 2 GHz ऑक्टा कोर फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस NFC सपोर्ट एंड एक्सपेंडेबल मेमोरी अप टू 128 GB, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आपको फिंगर प्रिंट आपका यहाँ पे प्लेस्ड है, यहाँ पे आपको एक फ्लैश लाइट भी मिल रहा है, यहाँ है, ठीक है। इसको स्टार्ट हम थोड़ी देर बाद करें, सबसे पहले देखते हैं कि मोबाइल के साथ क्या मिला है बॉक्स के साथ, ठीक है। ये है बॉक्स, इसको करते हम ओपन, तो एक मिला है हेलो मोटो, ठीक है, साइड में रख देते हैं। उसके बाद आपको कुछ रेडमी वाले पेपर वर्क्स हैं इसमें, तो जो बन भाई जीत लेंगे वो एक बार पढ़ लेना भाई, हमको बता देना इसमें क्या क्या है, तो ठीक है, ये बेसिक्स है कुछ इसमें। सेफ्टी रिगार्डिंग लीगल्स, जो भी इसमें आपको सेफ्टी है, कैसे आपको चार्ज करना है, क्या करना है, हीटिंग हुआ तो क्या है, इसमें NFC GPS वाला क्या क्या मॉड्यूल है, ठीक है, ये आप बाद में पढ़ लेना। उसके बाद जो मिले हैं हमें हेडफोन देखते हैं, अच्छा पैक्ड है, ठीक है, ओपन हो गए। एक बेसिक से हेडफोन है, ठीक है भाई, बाकी लोग तो देना भी बंद कर दिया, मैंने तो बेसिक से दिया, फिर भी ठीक है। नॉर्मली गाने वाने अगर सुनना है या फ़ोन पे बात वगैरह करना, ठीक है, बट एक साउंड चाहिए तो आपको अच्छे दूसरे हेडफोन खरीदने पड़ेंगे, अच्छे हेडफोन से। इसको हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, ये हो गए साइड में। अब देखते हैं केबल, तो आपको इसके साथ टाइप सी नहीं है, नॉर्मल है, बट ठीक है, आपको टर्बो चार्जर मिलता है, एक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होता है, ठीक है, उसके लिए इतनी ज़रूरत भी नहीं है। अब ये रहा आपका चार्जर, तो चार्जर की पैकिंग यार देखो ना कितनी बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो चार्जर की पावर जो मिलने वाली है वो है 5 V 3 A है, तो ठीक है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको यहाँ पे सपोर्ट करा, भाई इतना भी फास्ट नहीं रहेगा जो टाइप सी में आपको सपोर्ट रहेगा, एक ठीक है, फिर भी आपको एक तुरंत आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा। उसके बाद आपको मिल रहा है सिम इजेक्टर टूल, ये सेम टू सेम है नोकिया 6 के साथ, ऐसा ही कुछ डिज़ाइन के साथ आया था, बट हाँ तो वो थोड़ा बड़ा था, ये थोड़ा छोटा है। सो ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट आपको एक सिम इजेक्टर टूल है, साइड में रख देते हैं। अब ये रहा मोबाइल, तो मोबाइल के हम सबसे पहले स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं। तो जैसे मैंने थोड़ा आपको बताया था कि बट इसमें हाँ रैम और ये सब हम बात करना बाकी है, तो इसमें आपको जो रैम मिलने वाली है 4 GB रैम भी 64 GB इंटरनल, और इसके साथ आपको एक दूसरा वेरिएंट भी अवेलेबल है 3 GB रैम भी 32 GB इंटरनल,
सेम बैटरी है, ऑक्टाकोर उसका में शायद कुछ 1.8 गीगाहर्ट्ज़ वाला है। और हाँ, सबसे मेन थिंग कि इसके साथ जो आपको प्रोसेसर आने वाला है भाई, स्नैपड्रैगन 625, अच्छा प्रोसेसर, एक मिड रेंज मोबाइल के साथ एक सक्सेसफुल प्रोसेसर रहा है, काफ़ी मोबाइल के साथ मिला है। अब ठीक है, वो आसू शाओमी के साथ आपको स्नैपड्रैगन 636 मिल रहा है भाई, लेकिन वो मोबाइल भी कहाँ अवेलेबल, वो मिलते ही नहीं है। तो ये एटलीस्ट एक मोबाइल आपको मिल जाता है इमीडिएटली। तो स्नैपड्रैगन 625 के साथ एक मिड रेंज, एक अच्छा प्रोसेसर, एक सक्सेसफुल प्रोसेसर जो हैंगिंग या हीटिंग इशू के साथ आपको नहीं मिलेगा। सेकेंड, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है विथ, आपको यहाँ पे फ्लैश रहेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर है, बैक साइड में आपको डुअल कैमरा है 13+13 मेगापिक्सल में। तो 13 जो दूसरा वाला 13 है, आपको ब्लर इफेक्ट यानी कैमरा इफेक्ट जो है काफ़ी अच्छे इसमें आपके साथ मिलने वाले। इसकी जो बॉडी है, सामने से आपको ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है, ये 2.D है, पर इतना भी ज़्यादा नहीं लग रहा है, बट ठीक है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से 3 वाला। उसके बाद ये आपका एल्यूमिनियम बॉडी है, यहाँ पे आपका 3.5mm जैक, यहाँ पे मोबाइल्स का साउंड, उसके बाद आपको यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स एंड की अनलॉक बटन है, तो अच्छी बात है, एक अच्छा मोबाइल भी है। तो इसको थोड़ा सा ये कवर हटा देते हैं, मैं थोड़ा बाद में लगा भी दूंगा भाई, जो जीतेगा वो आप आपके हाथ से भी एक बार हटा देना, मैं थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ, ये निकल गया है, थोड़ा यहाँ संभाल के रख देता हूँ। तो मोबाइल एक बार हम स्टार्ट करके देखते हैं, ये देखिए ये हो गया स्टार्ट, हेलो मोटो, आ गया आवाज, हेलो मोटो, ये हो गया मोबाइल स्टार्ट, हाँ राइट। तो यहाँ पे वेलकम है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक से सेटअप कर लेता हूँ, बाकी सेटअप भाई जो जीतेगा वो कर लेना जो भी रहेगा। कॉपी योर डेटा, नो सेटअप एज ए न्यू फ्रेश स्टार्ट, अब यहाँ पे डोंट यूज एनी नेटवर्क, कंटिन्यू, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे डेट वगैरह नेक्स्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट कर लेता हूँ, स्किप कर लेता हूँ, फिंगरप्रिंट सेंसर भाई आप कर लेना स्किप एनी वे। तो यहाँ पे कुछ गूगल के कुछ पॉलिसीज सर्विसेस है, एक बार पढ़ लेना जो भी है, ऑल सेट। यहाँ पे मोटो परमिशन टू हेल्प यू, यहाँ पे आपको कुछ ट्रेलर एक्सपीरियंस है, फ़ोन रिपेयर ट्रबल शूटिंग है, ओके ग्रेट, न्यूज़ एंड अपडेट्स है, रिसर्च वगैरह आपको ये मिलने वाले हैं, ठीक है। अभी मैं इसको कर देता हूँ, नो थैंक्स, ये आप कर लेना इसमें। तो ये आ गया है आपका इंटरफेस, फॉन्ट तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इसमें, देखिए राइट, अरे वाह अच्छा है, बहुत स्लीक लग रहा है मोबाइल, काफ़ी स्मूथ लग रहा है इसका इंटरफेस वगैरह, देखिए इसमें साथ इन्होंने आउटलुक दे दिया है, क्यों भाई जीमेल तो आता ही है ना, ठीक है, अगर जिनका आउटलुक आप अकाउंट सेटअप कर लीजिए तो। हाँ, इसमें हम फंक्शंस में देखिए मोबाइल में क्या है, कैलकुलेटर, कैलेंडर, कैमरा, क्रोम, क्लॉक, कॉन्टैक्ट, डिवाइस सेल्फ, तो डिवाइस है इसमें ही आपको ट्रबल शूटिंग वाला रहेगा, इसमें आपको कोई इश्यूज वगैरह तो अब यहीं से आपका ट्रबल शूटिंग कर लीजिए, काफ़ी अच्छी बात है, आपको घर पे ही पता चलेगा कि मोबाइल में क्या इशू है, आपको इसमें सिस्टम अपडेट वाला भी आ जाएगा कि आपको प्रोवाइडेड है, डाउनलोड्स ऐप, ऐप रनिंग ऑन स्टार्टअप, तो अच्छी बात है। उसके बाद आपको कैमरा, कैमरा में हम देखते हैं सबसे पहले हमें कैसा इफेक्ट मिलेगा, सेव लोकेशन, इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं, अलाउ प्लीज टॉइज ओपन स्विच बिटवीन द फ्रंट, ओके हाँ, इसमें जो गेस्चर फीचर्स है आपको अभी दिखा देता हूँ कैसे रहेंगे। तो जैसे अगर मैं लॉक करता हूँ और यहाँ पे शेक करता हूँ तो यहाँ पे आपका फ्लैश लाइट चालू हो जाएगा, देख लीजिए आप, एक अच्छी बात है, आपको ये अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, एक अच्छा फीचर भी है। तो ये बंद हो गया, अगर मैं इस आपको ट्विस्ट कर लेता हूँ, ये आपके कैमरा चालू हो जाएगा, कैमरा फिर से अगर मैं इसको ट्विस्ट कर लेता हूँ तो सेल्फी चालू हो जाएगी, ये देखिए सेल्फी चालू हो गई है, ग्रेट। अब हम फिर से कैमरा ओपन कर लेंगे, तो इंटरफेस काफ़ी अच्छा होता है एक, मतलब देखेंगे जैसे अभी देखिए ये लॉक होने के बाद, देखिए थोड़ा सा अगर आप थोड़ा कर लेंगे, हाँ देखिए वॉच इसके स्टार्ट, ये वाला इंटरफेस काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। कैमरा में देखेंगे तो कैमरा में हमें क्या सेटिंग आ रही है, यहाँ पे HDR है, ठीक है वो तो भाई इतना ही है भाई, पैनोरामा है, डेप्थ एंड वेल्थ, प्रोफेशनल मोड, तो हम प्रो वाला जो है प्रोफेशनल मोड इस पर क्लिक करते हैं। इसमें आपको जो मिलने वाला हम देखते हैं, कुछ बॉक्स के साथ हमें कुछ ब्लर इफेक्ट्स आने वाले हैं या नहीं मिलने वाले हैं। कैमरा तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसमें प्रो वाला
ड्यूएल वाला, एक मिनट हम देख लेते। वाओ, ये जैसे लुमिया जो था ना अपना 1020 वाला जो 14 मेगापिक्सल, वैसा ही। वाओ, इसमें साउंड देख लीजिए, आ रहा है आपको साउंड? ये देखिए, ये आ गया प्रो वर्जन। ये ऑटो कर देते हैं यार, कैमरा काफी अच्छा लग रहा है इसका, डेप्थ एनेबल में। राइट, गॉट इट। ये आ गया अपना ब्लर वाला जो रहता ना डीएसएलआर, तो ये है। तो एक फोटोज में कुछ फोटोज क्लिक करके आपको बाद में इसमें डाल भी दे दूंगा, आप एक बार चेक कर लेना फोटोज। एक फोटो मैंने अभी जस्ट स्नैप किया है, तो इसमें कुछ आपको डिटेलिंग वगैरह देखते हैं इसमें क्या है। डिटेलिंग तो काफी अच्छी लग रही है, ब्लर वाला इफेक्ट भी देखिए कितना डेप्थ में हमें मिला है। उसके बाद ये देखिए, ये यहाँ पे कुछ हेडफोन्स है, यहाँ पे भी देखिए आपने, ये जो कॉर्नर्स है, ये वाले जो कॉर्नर्स है ना, ये काफी अच्छे इफेक्ट मिले इसको कॉर्नर को। ये देखो ले लीजिए, काफी अच्छे इफेक्ट मिले कॉर्नर्स को भी। एक अच्छा कैमरा के साथ आपको एक अच्छा फ़ोन मिल रहा है। और जब आपको, मैं वही चीज़ आपको रिपीट कर रहा हूँ कि एक मोटो ने एक अच्छा फ़ोन निकाला है, बिकॉज इससे पहले मैंने कुछ इनके फ़ोन देखे थे, काफ़ी बल्की लगते थे, काफ़ी हेवी लगते थे, तो ये मोबाइल काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके फॉन्ट साइजेस भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे एक बार फिर से मेन्यू में देखते हैं हम, साउंड वगैरह मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। फिंगरप्रिंट सेंसर आप भाई बाद में कर लेना इसमें। तो हम जाते हैं अभी साउंड में। तो साउंड में जाने के बाद हम सक्सेसफुली देखते हैं कुछ रिंगटोन्स वगैरह यहाँ पे। तो यहाँ कुछ थोड़ा आवाज बढ़ा देता हूँ इसमें, शायद इसमें डॉल्बी वगैरह नहीं है। आप मोटो में यार रिंगटोन बहुत, चलो ये फिर भी ठीक है। अच्छा है, लेकिन मोटो की प्रॉब्लम ऐसे कि ये लोग रिंगटोन से यार बहुत अलग ही देते, थोड़ा अच्छे रिंगटोन दो यार सेट करने के लिए, बाहर से इधर से उधर डाउनलोड करना पड़ता है वो रिंगटोन। और सबसे मेन थिंग आपको जो इसमें मिल रहा है एंड्रॉयड वर्जन 7.1.1। सो पता नहीं, आप अपडेट एक बार चेक करना पड़ेगा, इसका अपडेट मिलता है नहीं मिलता है। यहाँ पे मॉडल नंबर, सॉफ्टवेयर, चैनल, रेटिन, ठीक है, सिस्टम अपडेट बाद में देख लेना आपको अपडेट करके। उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा आपको जेस्चर्स में क्या मिल रहा है, टैप एंड पे, जो मैंने आपको कहा था ना आपको पैसा वगैरह देना रहेगा स्टोर्स वगैरह में, टैप एंड पे वाला भी ऑप्शन आपको मिलता है जो सैमसंग पे वाला, वही एक ऑलमोस्ट है। सो इसमें 12 GB यूज़ हो गई है आउट ऑफ 64 GB। एंड यहाँ पे आपको एक ऐड अकाउंट वाला है बस। इससे अगर फॉन्ट में जाके देखते कुछ, अगर कलर मोड ऑलमोस्ट ये सभी मोबाइल के साथ आ जाते हैं, स्क्रीन कुछ अलग नहीं है, स्क्रीन सेवर भी आती है, फॉन्ट साइज है लेकिन फॉन्ट टाइप नहीं है। तो आपको जो फॉन्ट अभी है वही फॉन्ट के साथ चलना पड़ेगा इसमें, तो ठीक है, अच्छा फ़ोन है, मुझे तो अच्छा लगा। लेकिन आप अपनी कमेंट्स बताइए कि आपको ये फ़ोन के बारे में कैसा लगा, बिकॉज मोटो ने कुछ स्पेशल एडिशन भी दिया है, अमेजोन से ख़रीदा है। 12999 अभी इसकी प्राइस है और कुछ अच्छी ऑफर्स भी चल रही है। अगर आपको ख़रीदना है या अगर इसको ही पाना है तो मैं बोलता आप इसको ही ले लीजिए। जैसा आपको करना है एक कमेंट। हाँ, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो भाई अभी कर दो, मोबाइल चाहिए ना। इसके बाद भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे मोबाइल में दूंगा और वीडियो मिस नहीं होना चाहिए, बेल आइकॉन भी आप प्रेस कर दीजिए। और जैसे वीडियो मेरा ख़त्म होगा आप मेरे वीडियो को, और जैसे मेरा वीडियो ख़त्म होगा तभी मेरे एक वीडियो को, इसका लिंक जो है ना आप शेयर कीजिए आपके व्हाट्सएप के कोई भी 5 ग्रुप्स में आप शेयर कर दीजिए। उसके बाद तुरंत हमारे जल्द से जल्द हमारे 50,000 लाइक हो जाएंगे, तो मैं आपको जल्द से जल्द इसका गिव अवे का रिजल्ट भी बता दूंगा, जो भी विनर रहेगा उसका नाम भी इसमें बता दूंगा। तो ये रहा हमारा फ़ोन जो मैंने आपको इंटरनल फीचर दिया है। अब इसका आउटर थोड़ा सा मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके साथ आपको सिम इजेक्टर से इसका मैं ओपन करके देखता हूँ आपको सिम स्लॉट कैसे मिलने वाले हैं। ये हो गया ओपन। ओपन होने के बाद आपको, हाँ, तो आपको इसमें हाइब्रिड सिम में या तो आप 2 सिम कार्ड चला लीजिए या फिर 1 सिम 1 मेमोरी कार्ड चला लीजिए, आजकल यही फैशन में आ गए, ठीक है। तो ये रहा अपना मोटो G5s Plus।
आप ही विनर रहेंगे। अगर आप सब्सक्राइब शेयर और लाइक करेंगे तो आप ही विनर रहेंगे। और हाँ, मेरा वीडियो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूले। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो और अनबॉक्सिंग मैं आपको बताता हूँ, अनबॉक्सिंग वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो ऐसे ही अच्छे वीडियो बनाते हैं। हाँ, एक बार आप कमेंट में मुझे कर दीजिएगा आपको किस टॉपिक में डिस्कशन करना है, किस टॉपिक के साथ डिस्कशन करना है, कौन से मोबाइल के लिए आपको अनबॉक्सिंग करना, तो मैं आपको वो एक अनबॉक्सिंग भी कर दूंगा। और अगर कुछ टॉपिक है तो वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा एक ग्रुप पे। फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियोज़ में। आपका दोस्त आशु।